नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम 17,000 प्लस एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन, दोस्तों इन सब पदों के लिए सीबीटी परीक्षा 27, 28, 29 दिसंबर को हो गई है। फाइनल उत्तर कुंजी के बाद जो है कट ऑफ लिस्ट होगा जारी, कट ऑफ जारी होगा, फाइनल उत्तर कुंजी जारी होगी और उसके बाद लिस्ट जारी होगा। फाइनल उत्तर कुंजी के बाद कितने नंबर बढ़ने के चांसेज मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों सूत्रों के माध्यम से पता यही चला है कि जो परीक्षा सीबीटी हुई है, सीबीटी परीक्षा जो हुई है आप लोगों की एनम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन, एनम में पदों की संख्या ज़्यादा है और लैब टेक्नीशियन में भी पदों की संख्या है। फार्मासिस्ट में 399 समथिंग पद हैं और इसमें जो है एनम में लगभग 5600 प्लस पद हैं और लैब टेक्नीशियन में लगभग 3200 प्लस पद हैं। नियर अबाउट टोटल जो है पदों की संख्या दोस्तों लगभग 10,000 है। 10,000 में आपको बता रहा हूं मैं कि एनम सबसे कम कट ऑफ जो है एनम का जाने वाला है। जिन अभ्यर्थियों के नंबर 40 नंबर है उनके लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांसेज लगभग 45 हो सकते हैं और कट ऑफ जो है दोस्तों एनम की बहुत कम जाएगी। 38 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करें, 38 से 40 प्लस वाले जितने भी हैं एनम की मैं बात कर रहा हूं, वो किसी भी कैटेगरी के हों वो। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन में जो है 45 प्लस वाले अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट अपनी तैयार करके रखे रहें। और फार्मासिस्ट की बात करें तो दोस्तों पदों की संख्या कम है, भीड़ ज़्यादा थी लेकिन फिर भी कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, 45-50 के इर्द गिर्द ही आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों ने, बहुत सी एनम बहनों ने जो ऑब्जेक्शन होता है वो है, ऑब्जेक्शन भी किया है, प्रश्न पर ऑब्जेक्शन भी किए हैं और जिसके माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एनम में 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। लैब टेक्नीशियन में भी ऑब्जेक्शन हुआ है, 3 दिन के लिए दोस्तों पोर्टल खुला था, आपको ऑब्जेक्शन करना था 3 तारीख से लेकर 6 तारीख की मध्य रात्रि तक। कल जो है काफ़ी अभ्यर्थियों ने, 6 तारीख को काफ़ी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया है। बहुत से प्रश्न दोस्तों उसके उत्तर आयोग की तरफ से गलत रहा, मैंने आप लोग को एक प्रश्न का उत्तर भी बताया था और प्रूफ के साथ मैंने आप लोग को दिखाया भी था। तो दोस्तों जल्द ही आपको उत्तर कुंजी और कट ऑफ लिस्ट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यह भर्ती जो है दोस्तों शासन की अनुमति मिल चुकी है इस भर्ती को, क्योंकि यह भर्ती बहुत तेज़ी से कराने के विचार में है। एनम की बहुत सीटें खाली पड़ी हैं क्योंकि एनम UPSSC एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद हुए हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी अभ्यर्थी जो है रिजाइन कर दिए हैं तो जिससे वो पद खाली हो गए हैं। काफ़ी नए सेंटर खुले हैं, डॉट सेंटर, एनम सेंटर काफ़ी नए खुले हुए हैं, वहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग को बता रहा हूँ कि कर्मचारी है ही नहीं, इसीलिए जो है सबसे पहले जो है एनम की भर्ती के लिए वहाँ पर जो है चिन्हित किया गया है और फार्मासिस्ट को भी डॉट सेंटर पर रखने की बात कही गई है और लैब टेक्नीशियन को, इसीलिए दोस्तों यह भर्ती बहुत तेज़ हो रही है, इसमें कोई भी जो है रोड़ा नहीं है दोस्तों। जल्द ही आप लोगों को इसका सब कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी जल्द ही इसकी होने वाली है। और 4 से 5 नंबर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एनम, इन सभी अभ्यर्थियों के बढ़ने वाले हैं। जब आप लोगों का उत्तर कुंजी आएगा, कट ऑफ आएगा और लिस्ट जब जारी होगी तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर था और कितने नंबर बढ़ा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रियल ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप जो है जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। और साथ में दोस्तों स्टाफ नर्स की तैयारी भी कराई जा रही है, 17, 18, 19 तारीख को परीक्षा है और CBT परीक्षा है। देखिए दोस्तों हो सकता है कि नहीं हो पाता है क्योंकि CTET की भी परीक्षा का डेट आ गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।